इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला प्रशासन, यातायात विभाग और नगर निगम की टीम मिलकर लगातार काम कर रही है। सड़क से अतिक्रमण हटाने के साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्ती की जा रही है। इसी के तहत अब शहर में मौजूद सभी निजी और शासकीय बस स्टैंड को शहर से बाहर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन के आदेश के बाद इंदौर विकास प्राधिकरण ने शहर के बाहर दो नए बस स्टैंड तैयार कर लिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक शहर में मौजूद सभी बस स्टैंड को इसी सप्ताह बंद करके शहर के बाहर शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही अब AICTSL की बसें भी शहर के बाहर बने बस स्टैंड से ही संचालित होंगी। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक शहर में बड़े वाहनों की वजह से जहां ट्रैफिक जाम के हालात बनते हैं तो वहीं हादसों का खतरा भी बना रहता है। फिलहाल जिला प्रशासन की टीम शहर में मौजूद सभी बस स्टैंड को शहर से बाहर करने और यात्रियों को नए बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए पर्याप्त सुविधा मुहैया कराने में जुट गई है। माननीय उच्च न्यायालय का स्टे ऑर्डर है जिसके लिए हम लोग अभी रुके हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही जो प्राइवेट बस स्टैंड है उनको भी और इसके अलावा जो शासकीय बस स्टैंड है उनको भी बाहर शिफ्ट करने की कार्रवाई कर ली जाएगी। जी हाँ, निश्चित रूप से न केवल ट्रैफिक में बाधा बनते हैं बल्कि एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं, इसलिए इनको बाहर करना बहुत आवश्यक है। बहुत जल्दी ही मुझे लगता है जो प्राइवेट बस स्टैंड है उनको इसी सप्ताह हम लोग बाहर शिफ्ट करना शुरू कर देंगे और AICTSL की भी जो कुछ बसेज हैं जो नायता मुंडला शिफ्ट होनी उनको भी शिफ्टिंग का काम हम लोग तत्काल प्रारंभ कराएंगे। बाकी जो माननीय उच्च न्यायालय का जैसे ही स्टे ऑर्डर वैकेट होता है वैसे बाकी बस स्टैंड को हटाया जाए। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।